योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रहे कयासों पर बीजेपी लीडरशिप ने लगाया ब्रम। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए बैठकों के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लगाए जा रहे कयासों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज किया है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर उन कयासों पर ब्रम लगाने की कोशिश की है, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर चिंतित है। बीएल संतोष ने ट्वीट कर कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ भी की है। यही नहीं, बिना नाम लिए दिल्ली से तुलना करते हुए बीएल संतोष ने लिखा है कि एक म्यूनिसिपलिटी के सीएम 1.5 करोड़ लोगों की आबादी को मैनेज करने में फेल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य को काफ़ी अच्छे से नियंत्रण कर रखा है। हाल ही में बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग मुलाकात की है। इसे लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यूपी में पार्टी के कामकाज को लेकर काफ़ी चिंतित है और इसी के चलते मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में बीजेपी के कई नेताओं ने बीएल संतोष से कहा था कि उनकी कोई सुनवाई अफसर नहीं करते हैं और वे लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं। इन शिकायतों को पार्टी और सरकार के बीच तालमेल की कमी के तौर पर देखा गया है। हालांकि इस बैठक में बीएल संतोष ने नेताओं से कहा था कि फिलहाल उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी उपलब्धता जन जन तक जरूर पहुंचानी चाहिए, और साथ ही साथ बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ा है, जिसके बाद उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर केंद्रीय नेतृत्व काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।